तेल तिलन बाजार में विदेशों में खाने के तेलों की मांग बढ़ने और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई प्रभावित होने से पिछले सप्ताह सरसों, सोयाबीन, मूंगफली तेल तिलन, बिनोला, सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। सर्दियां आने के साथ साथ शादी विवाह की मांग बढ़ने से भी इनकी कीमतों को सपोर्ट मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक किसान मंडियों में सरसों काफी कम बेच रहे हैं और जाड़े के साथ साथ शादी विवाह के मौसम की मांग होने के कारण सरसों तेल तिलहन की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। जाड़े में हल्के तेलों की मांग बढ़ने और वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कम सप्लाई की वजह से मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों को भी सपोर्ट मिला है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए खाद्य तेलों की सप्लाई कम होने से पैदा हुई कमी को कच्चे पाम तेल यानी सीपीओ और पामोलिन तेल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इसी वजह से इन तेलों की वैश्विक मांग निकली है। खाद्य तेलों की सप्लाई कम होने से सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतों में ज्यादा सुधार देखने को मिला है। उधर सूरजमुखी और सोयाबीन खाद्य तेलों के ड्यूटी फ्री आयात की छूट का कोटा निर्धारित किए जाने से बाकी आयात लगभग रुक गया है, क्योंकि बाकी आयात के लिए आयातकों को आयात शुल्क का भुगतान करना होगा। इससे बाजार में कम सप्लाई की स्थिति बन गई है और ये खाद्य तेल सस्ते होने की जगह और महंगे हो गए। पहले देश में सूरजमुखी की अच्छी खासी पैदावार थी, लेकिन आज इस तेल की मांग को पूरा करने के लिए देश लगभग 98% सूरजमुखी तेल का आयात करता है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार को अपने इस फैसले पर फिर से विचार करते हुए या तो आयात पूरी तरह खोल देना चाहिए या पहले की तरह कम से कम 5.5% का आयात शुल्क लगा देना चाहिए। बाजार जानकारों का कहना है कि इससे देश को कमाई होगी और तेल तिलहन कारोबार का हाल इतना अनिश्चित रहने के बीच इस समस्या का स्थायी और पुख्ता समाधान देश के किसानों को प्रोत्साहन देकर तिलहन उत्पादन बढ़ाना ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।